तो हम अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट बना सकते हैं। और उसका मतलब क्या हुआ पहले ये देख लीजिए, उसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, और किसी समय पे आप देखते हैं तो हर एक जगह पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही दिखाई पड़ता है, हाँ ये पोलराइज्ड लाइट है। ये इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कहीं पर यहाँ 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 कहीं पर आप एक स्नैपशॉट लिया आपने तो आपने पाया अच्छा हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन है। ओके, मैग्नीट्यूड बदलेगा के एक्स माइनस ओमेगा टी, एक खास टाइम पे देखिएगा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, एक खास टाइम पे देखिएगा तो मैग्नीट्यूड बदलेगा, लेकिन उसके आगे जो वेक्टर लिखे थे ई जीरो के ऊपर वेक्टर, डायरेक्शन वहाँ से मिल रहा है। मैग्नीट्यूड में साइन अपना खेल कर रहा है, कभी 1/2 ला रहा है, कभी 1/3 ला रहा है, कभी 1/4 ला रहा है, कभी माइनस में जा रहा है, वो खेल कर रहा है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो घटेगा बढ़ेगा, लेकिन इसी में घटेगा बढ़ेगा, इधर नहीं आने वाला है, उधर नहीं जाने वाला है। ओके सर, ऊपर और नीचे भी, हाँ ऊपर और नीचे माइनस भी होते हैं, साइन का मान माइनस नेगेटिव भी होता है, तो ये कभी जीरो हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, कभी इधर हो जाएगा, कभी इधर हो जाएगा, इधर एक मैक्सिमम तक जाएगा, इधर एक मैक्सिमम तक जाएगा। ओके, लेकिन इसी लाइन पे हमेशा रहेगा, अनपोलराइज्ड होता तो अभी ऐसे है, थोड़ी देर बाद ऐसे भी नज़र आ सकता था, ऐसे भी नज़र आ सकता था। इसको कहते हैं लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, एक लाइन पे। अमूमन जो हमारे सोर्सेस से लाइट आती है वो अनपोलराइज्ड आती है, चाहे वो आप बल्ब जला लो, ट्यूबलाइट जला लो, मोमबत्ती जला लो, कुछ भी कर लो, सूरज से जो रोशनी आ रही है, अमूमन जो लाइट आती है वो अनपोलराइज्ड। लेकिन प्रकृति भी अपने ढंग से कहीं कभी कभी उसको पोलराइज करके हमारे पास भेजती है, और हम अपने से भी उसको कर सकते हैं अपने यंत्रों के द्वारा। क्या यही बोले थे कि अगर एक समय पे आप देखिएगा तो यहाँ देखिएगा तो भी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन वही है, यहाँ देख मतलब ऐसे वाला भी हो सकता है तो, लेकिन इसी लाइन पे यहाँ देखिएगा, यहाँ कहीं पर भी आप देखिएगा तो एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है एक टाइम में, और टाइम बदल गया तो भी वही है, हाँ मैग्नीट्यूड चेंज मिल सकता है लेकिन तो भी डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, किसी का भी नहीं बदल रहा है, सबके सब हमेशा एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अपना अप डाउन करते रहते हैं, वो है लीनियरली पोलराइज्ड की कहानी। ओके, और एक जो यंत्र है अपना जिससे हम इस अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज कर सकते हैं वो है ये जो हम आपको कई बार दिखा चुके हैं, ये जो प्लास्टिक है ये कहलाता है PVA, पोली विनाइल और ऐसे क्या अल्कोहल, और उसको केमिकली बनाते हैं, जैसे वो सब तरह तरह के पॉलीमर्स बनाते हैं, और उस प्रोसेस के अंदर में उसमें कुछ सॉल्यूशन वगैरह रहते हैं, थोड़ा आयोडीन डाल दिया जाता है, और उसके बाद जब उसको सॉलिडिफाई फाइनली करते हैं उससे में उसको पुल करके स्ट्रेच किया जाता है और उसी में सॉलिडिफाई होता है, तो ये बन जाता है इस तरह का प्लास्टिक, और ये प्लास्टिक मेरा यंत्र हो गया है जो कि अनपोलराइज्ड को पोलराइज बना देगा है। और मैकेनिज्म क्या होता है कि जब वो आप ऐसा स्ट्रेच करके इसका कंस्ट्रक्शन इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक चेन के रूप में ऐसे जुड़ जाते हैं, बॉन्डिंग हो जाती है उनकी, एक चेन ऐसे बन जाती है, दूसरा चेन ऐसे बनेगा, सब एक दूसरे से ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट टाइप के हैं, थोड़ी बहुत क्रॉस लिंकिंग होगी लेकिन इस तरह के चेन्स बने हुए हैं इसके अंदर में, ये लेकिन मॉलिक्यूल्स का लेवल है, ये मॉलिक्यूल के लेंथ स्केल पे बात कर, एंगस्ट्रॉम के लेंथ स्केल के ये चित्र खींचा गया है, लेंथ स्केल का ध्यान रखिए हमेशा, मॉलिक्यूल्स आपस में एक मॉलिक्यूल के नीचे दूसरा मॉलिक्यूल का बॉन्डिंग हुआ, उसी लाइन में तीसरे मॉलिक्यूल का बॉन्डिंग हो गया, उसी लाइन में चौथे मॉलिक्यूल, जो पॉलीमर चेन्स हैं उनके बीच में कुछ सेपरेशन, हाँ उनके बीच में कुछ सेपरेशन है राइट, वो भी एंगस्ट्रॉम के ही लेवल का है,
सब कुछ एंगस्ट्रॉम के लेंथ स्केल के ऊपर चल रहा है। ऐसे इसमें मॉलिक्यूल्स की चेन बनी हुई है, तो जो चेन का डायरेक्शन है वो इसमें फिक्स हो गया, किधर चेन है, और उसका परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है वो फिक्स हो गया, क्योंकि प्लेन प्लेन ही है ना, तो एक डायरेक्शन फिक्स हुआ तो उसका परपेंडिकुलर फिक्स हो गया। तो ये जो परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन है, ये वाला, ये जो डायरेक्शन है, यही जो इसका काम है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है तो वो जो चेन के परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन है उसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पास करो, और उसमें नहीं है तो पास मत करो। तो उसको दिखाने के लिए हम आपको एक इसी का जूम करके लाए हैं इसी का जूम करके लाए हैं। तो इसमें आप सोचिए कि आपके चेन्स ऐसे ऐसे बनी हुई हैं हॉरिजॉन्टल, ओके, ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स सजे हुए हैं चेन, तो ये चेन की डायरेक्शन हो गई और ये चेन के परपेंडिकुलर की डायरेक्शन हो गई। अब क्या है कि ये जो हमारा लाइट है वो फर्ज कीजिए कि क्या करूँ, इधर से इधर लाऊँ, इस पे डालना है मुझको, ऐसे लाइट आ रही है आपसे दूर आ रही है, ओके, मेरे तरफ आ रही है, तो जो ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ई क्रॉस बी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर, और चेन की जो डायरेक्शन है वो ध्यान रखिएगा, हमने आपको जो बताई ये चेन की डायरेक्शन है, ये चेन्स आपके ऐसे ऐसे हैं, हाँ दे दो जरा चेन भी बनाई दो, नहीं कलम 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 कलम, हाँ चेन्स ऐसे ऐसे सजी हुई हैं, ऐसे ऐसे चेन्स सजी हुई हैं, राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड को देख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस वाली लाइन पर है, इसके पैरेलल है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आराम से इधर निकल जाएगा, रोशनी इधर पास हो जाएगी, आओ अब जो होता है मैं बता रहा हूँ, अभी खाली स्पेस क्या होता है यार, सारा तो सारा खेल एंगस्ट्रॉम लेवल का है। और दूसरी चीज आप ये जान के रखिए कि जिसको आप एटम कहते हैं, यहाँ पर एटम है और फिर यहाँ पे एटम है और बीच में खाली स्पेस है, वो एटम, एक एटम की बात कीजिए, उस एक एटम में तो दुनिया का खाली स्पेस है। तो सब जगह खाली स्पेस है भैया, आप ये ना सोचो चेन से टकरा जाएगा तो कैसे आगे जाएगा जब वो बड़ा बड़ा रहता है सॉलिड और हमारा छोटा सा चीज जाने का कोशिश करता है तब पंगे होते हैं कि भैया टकरा के वापस आ गया। ये एटम अपने आप में पूरा का पूरा खाली स्पेस है, क्या लीनियर डायमेंशन में देखो तो 1,00,000 में एक, अगर एटम का डायमेंशन 1,00,000 है तो न्यूक्लियस का डायमेंशन 1 है, और सारा मास वहीं पर है, इलेक्ट्रॉन्स में क्या मास रहेगा, हाँ तो सब तो खाली स्पेस है, उसकी चिंता मत करो आप। जो ये डायरेक्शन है चेन के परपेंडिकुलर, इधर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर जाएगी, और अगर हमारी जो अनपोलराइज्ड लाइट या कोई भी लाइट, पोलराइज्ड अनपोलराइज्ड, कभी आई और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है चेन के पैरेलल, चेन के पैरेलल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी ये लाइट, इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी ये लाइट, आगे नहीं बढ़ेगी। रिफ्लेक्ट क्या, जब उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो ज़्यादातर तो हीट में बर्बाद हो गया भाई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए ना, ये उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस थोड़ी है, थोड़ा सा है, थोड़ा रिफ्लेक्ट करेगा, थोड़ा कुछ करेगा, होने दो ना अमित, इसकी चिंता करो आप, अनपोलराइज से पोलराइज कैसे प्राप्त करना है उसको देखो आप ओके तो जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था यहां पे पहुंचने पर, जो वाला उस समय, क्योंकि सब रैंडमली चेंज हो रहा है, यहां पहुंचने के बाद उस समय जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके आए वो सब पास हो गए, पूरे पूरे पास हो गए, और जो ऐसे करके आए वो पूरे पूरे रुक गए, और कुछ एंगल पे गए ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है।
तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें देखो ये थीटा एंगल बन गया है, ये जो उसका डायरेक्शन था ट्रांसमिशन का जिसमें फुल अलाउ करता था उससे थीटा पर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके आप दो भाग कर लीजिए, ई कॉस थीटा इधर, ई साइन थीटा इधर, ई कॉस थीटा बाहर, ई साइन थीटा अंदर, यानी कि लो इंटेंसिटी को लोअर करके भेजेगा, है ना। आपके पास सही लाइसेंस तो है नहीं लेकिन फिर भी है, टेम्पररी लाइसेंस आपका है तो ठीक है, आपको थोड़ा इंटेंसिटी आपकी डाउन कर दी जाएगी और तब आप जा सकते हैं। ओके कॉस थीटा वाली शक्ति को पास किया, साइन थीटा वाली शक्ति को रोक दिया। ओके तो जो भी पास करेगा, अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज एक ये है कि जो भी पास कर गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई, ये कंपोनेंट गया रुक, और ये ई कॉस थीटा कंपोनेंट ही केवल निकला, जो भी निकलेगा उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का यही होने वाला है, यानी उसने घुमा भी दिया। ओके न केवल कि चलो भैया तुम ऐसे जा रहे हो तो ऐसे ही जाओ, तुम्हारी शक्ति डाउन कर देते हैं, ना 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 ना, एक बार मेरे से होके गुजर गए हो सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ, टेढ़े नहीं रहना है, डाउन होके जाओ, गलत डायरेक्शन से आए हो इलेक्ट्रिक फील्ड का गलत डायरेक्शन लेके आए हो तो थोड़ा डाउन भी हो जाओ, अब अपने को ठीक कर लो। जो भी निकलेगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे रहेगा निकलने के बाद, इससे निकलने के बाद ऐसे ऐसे हो जाएगा। ओके और वो तो उसका साथी है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकला मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं निकलेगा, लाइट गई, लाइट एब्जॉर्ब हो गई, अगर निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड को लेके निकलेगा 90 डिग्री के ऊपर। जिस डायरेक्शन है मॉलिक्यूल्स अलाइन है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन है जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा, लाइट पास होगी, लाइट पास होगी, पास कौन हो रहा है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो, लाइट पास हो रही है ना, पूरी लाइट पास हो रही है, पूरी लाइट पास हो रही है, ये पूरा एक साथ पास हो रहा है। देखिए अगर सर सेम तरीके का रूल अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए बोले तो हम बोल सकते हैं कि जो पास एक्सिस के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होगा वो पार हो जाएगा। ठीक 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 है, लेकिन याद रखना मैग्नेटिक फील्ड पार होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पार होगा, लाइट पार होगी, अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड वेव की तरह नहीं चल सकता है। इसका मतलब सर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे बात कर रहे हैं जैसे डुके की बात, इसलिए इसलिए हाँ इसलिए इसलिए इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका मैकेनिज्म यह है कि ये जो चेन है ना, ये चेन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, और आयोडीन विशेष करके इसीलिए डाला जाता है कि आयोडीन जब इस चेन में ऐसे फैलता है तो वो उसमें कुछ आयन्स उस प्रकार के प्रोड्यूस करता है कि ये कंडक्टिंग पाथ है और ये कंडक्टिंग पाथ नहीं है। ओके तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो जो आयन्स हैं चार्जेस हैं वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के उसी के अनुसार उसी के डायरेक्शन में वो, हाँ अगर करंट अलाउड है, अगर मेटल है, मान लो लाइट आ रही है और लाइट किस पर आ रही है तो मेटल पर आ रही है, मेटल मेटल चाबी वाबी कुछ मेटल पे आ रही है, ये लाइट अंदर नहीं घुस सकती है, ये लाइट अंदर नहीं घुस सकती, कोई भी मेटल ट्रांसपेरेंट नहीं होता है अनलेस कि उसकी थिकनेस आप एकदम नैनोमीटर्स में न ले जाओ, 10-12 नैनोमीटर में न ले जाओ, अंदर नहीं घुस सकती है, क्यों, कंडक्टिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड तुरंत वो उसमें करंट पैदा कर देता है, कंडक्टिंग है, उसमें फ्री चार्जेस है मूव करने लायक, इलेक्ट्रिक फील्ड आया फ्री चार्जेस मिल गए मस्त हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड आया जब तक कोई चार्ज नहीं मिला था अपना चल रहा था, कोई चार्ज जैसे ही दिखा वो तो मस्त हो गया, अरे आ गया शिकार आ गया, लगाओ फोर्स, तो उसको चलाना शुरू किया, उसको चलाना शुरू किया तो अपना अस्तित्व उसका खत्म हो गया, वो लाइट जो है उसकी अस्तित्व, हाँ नहीं है उसका दूसरा मैकेनिज्म है, उसका दूसरा मैं आपको इस पोलराइजर का मैकेनिज्म बता रहा हूँ, लकड़ी का मैकेनिज्म अभी नहीं बता रहा हूँ। होंगे किसी भी मेटल के अंदर में लाइट प्रवेश नहीं करती है, एक आध वेवलेंथ तक हार्डली प्रवेश कर पाती है, माइक्रोन एक वेवलेंथ से ज़्यादा प्रवेश नहीं कर सकती है वो, क्यों
एक मिनट, इसलिए कि जो लाइट की एनर्जी है वो खर्च हो गई करंट सेटअप करने में, आई स्क्वायर आर हो गया, ओके। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा कोई एक्शन नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अक्सर हम लोग चर्चा इसलिए करते हैं लाइट के संदर्भ में कि जो लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मटेरियल है, जिस मटेरियल नहीं है तब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को दो भाग नहीं करते हैं, सबको बराबर इंपॉर्टेंस देते हैं, ओके। जो एनर्जी है इलेक्ट्रिक फील्ड वाली जो एनर्जी है और जो मैग्नेटिक फील्ड वाली एनर्जी है, दोनों एकदम एग्जैक्ट इक्वल बराबर है, किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, किसी को कम इंपॉर्टेंस नहीं है। वो जो होता है ना हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और उधर बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट, आप कैलकुलेशन करो एक फुल साइकिल के अंदर में या किसी वॉल्यूम में आप कैलकुलेट कर लो, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी है ठीक उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड, कोई दिक्कत नहीं है। मटेरियल से जब हम इंटरैक्ट करते हैं तो मटेरियल में चूंकि ये चार्जेस होते हैं, आयन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में तुरंत प्रभावित होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा बहुत करता है, जीमान स्प्लिटिंग टाइप कुछ कुछ थोड़ा बहुत करता है, लेकिन मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड तुरंत चार्जेस देखते ही उस पर हावी हो जाता है। इसलिए ज़्यादातर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें किया करें, इलेक्ट्रिक वेक्टर, वेक्टर क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वेक्टर तो होना ही है, मैग्नेटिक फील्ड है तो वेक्टर तो होना ही है, स्केलर थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो हाँ हमें, हाँ बताइए, हाँ 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 ये हो गया तो हो गया, हाँ उसके बाद तो मैक्सवेल इक्वेशन अपना धंधा करेगा। एक बार जब वो प्रोड्यूस करते हैं उसी समय अनपोलराइज प्रोड्यूस करते हो, जब सूरज से हीट हॉट ऑब्जेक्ट कोई एमिट कर रहा है या ये सब बल्ब वगैरह एमिट कर रहे हैं तो उसी समय वो अनपोलराइज एमिट करते हैं, इसीलिए वो अनपोलराइज चलता है। एक बार पोलराइज कर दिया तो फिर तो मैक्सवेल इक्वेशन कहेगा हाँ हाँ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, जब तक कुछ व्यवधान नहीं आए, ओके। तो ये जो हमारा डायरेक्शन है ना, ये चेन वाला, ये चूंकि यहाँ पर कंडक्टिंग पाथ मिल जाता है तो इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो तुरंत इसमें करंट वगैरह दे करके अपनी सारी लाइट की एनर्जी वहाँ ख़त्म और बाहर नहीं निकलता है, और ऐसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऐसे करंट तो जा नहीं सकता है, तो वो आयन्स को चाहता है कि ऐसे ले जाओ लेकिन चेन से बाहर निकालने नहीं देता है, चेन बॉन्डिंग करके रखे हुए हैं तो इसलिए वो एब्जॉर्ब नहीं होती है और वो निकल जाती है, राइट। ये है मैकेनिज्म। सर बात ऐसे नहीं हो सकता, इस पे बताओ ना, इस पर बताओ किधर क्या कह रहे हो, बोलो। जैसे कि ये चेन बनाया ना, हाँ ये चेन बनाया, बगल में और भी चेन है, हाँ है ना, तो ये चेन ऐसे चेन ऐसे भी तो बात हो सकता है, नहीं ना वो इसके इसी चेन पर फैला है ना उसका सारा कंडक्टिंग जो है, यहाँ से यहाँ तो जंप करना पड़ेगा चार्ज को, अच्छा यहाँ पर सब कनेक्टेड है, ओके यहाँ से यहाँ जंप करना पड़ेगा बीच में, ओके। तो अब ये चीज़ें हो गई, एक अनपोलराइज्ड और पोलराइज्ड को पहचानेंगे कैसे, इसके लिए ये है कि अगर हमारी अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है और हमने अपना ये लगा दिया, उसका ये ट्रांसमिशन का डायरेक्शन है और अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है, तो अगर तो केवल यही वाला कंपोनेंट इधर आएगा, बाकियों के कॉस थीटा और कॉस थीटा होकर के आएंगे, अनपोलराइज रैंडमली चेंज हो रहा है ध्यान रखना, बाकी के कॉस थीटा वगैरह होकर के आएंगे, इधर कुछ अंत में निकल करके आएगा। हमने इसको घुमा दिया, हमने इसके एक्सेस को घुमा दिया, रैंडम है याद रखिएगा, अब जो निकल करके आ रहा है, हाँ इंटेंसिटी घट जाएगी, जो पहले आता था वो एक्सेस चेंज हो गया, इंटेंसिटी घटेगा, जो अनपोलराइज्ड है तो उतना ही आएगा, रैंडम है ना, रैंडम है, किसी इससे तुम दो देखो इस एक्सेस से, अगर इसे सब रैंडमली फैला हुआ है तो मान लो 10% है जो कि 10 डिग्री पे हैं, 20% है जो 5 डिग्री पे हैं, 40% जो है जो 37 डिग्री पे हैं, तो इसको ऐसे भी घुमा दोगे तब भी वही रहेगा ना, वही कन्फिग्रेशन रहेगा ना, सब तो रैंडम ही था पहले भी अभी भी, तो इसलिए जितना एब्जॉर्प्शन होना था उतना ही अभी भी होगा। आप ऐसे रखो ऐसे रखो ऐसे रखो, उस लाइट के लिए ये सब एक है, उस लाइट के लिए
वो कहते हमको सप्तर, मैं तो मेरा तो भैया दस सहस्त्र भुजाओं वाले हैं हम, जिधर भी रहोगे हम पकड़ लेंगे तुमको। ओके, तो जो लाइट की इंटेंसिटी आ रही है निकल करके कम हो गई है, क्योंकि कई सारे एब्जॉर्ब हो गए हैं। ऑफकोर्स वो चेन सभी को अलाउ नहीं कर रहा है, कंपोनेंट्स को केवल अलाउ कर रहा है, तो घटेगा, एब्जॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पे, घटेगा। लेकिन जितना अभी घटा उतना ही अभी भी घटेगा, उतना ही अभी भी घटेगा, उतना ही अभी भी घटेगा। एक फर्क आएगा दोनों में, एक फर्क आएगा क्या, जो निकल करके आया है, जो निकल करके आया है वो पूरे डिसिप्लिन के साथ आया है। इसने इसने इसको पूरा डिसिप्लिन कर दिया है। जब ये ऐसे था तो सभी इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल करके आ रहे थे वो ऐसे ऐसे थे, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे थे। ये अगर घूम गया है ऐसे, ये हो गया है, ये अब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ऐसे ऐसे है, और जो भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे है, फर्क उसमें है। लेकिन वो तो हमें दिखेगा नहीं, वो हमें दिखेगा नहीं। तो आप इसको लेकर के बल्ब को देखिए और यूं यूं घुमाइए इसको, ऐसे ऐसे घुमाइए, और आप देखिए कि इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ इंटेंसिटी घटती है लेकिन घुमाने पर चेंज नहीं करती है। हाँ घटती है, घुमाने पर चेंज नहीं करती है। लेजर ये अनपोलराइज्ड लाइट जैसे फायर है वो कैसे प्रोड्यूस करती होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब? हाँ देखो, उसमें जो जो प्रोडक्शन है उसमें जो उस सोर्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको आप किसी न किसी प्रकार से एक्सेलरेट करते हो। हम क्लासिकल भाषा में बात कर रहे हैं, क्लासिकल फिजिक्स की भाषा में, जो सोर्स है हीट करके आप क्या करते हो, हीट करके आप उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके उनके मोशन को आप बढ़ाते हो, राइट, एक्स्ट्रा मोशन उसको देते हो, या कुछ ना कुछ करके जो सोर्स है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे LEDs का कोई मैकेनिज्म हो, कुछ भी है, तो वो जो सोर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एमिट करते हैं। एक्सेलरेटेड चार्ज जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेव की तरह एमिट करते हैं। हर एक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट करता है, और हर एक मोशन में जो चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। लेकिन अगर आपका वो एक्सेलरेशन है और प्रॉपर फ्रिक्वेंसी का ऑसिलेशन है तो फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस वेव के रूप में बनाता है, जिसको रेडिएशन कहते हैं। वो निकला, अब अभी जो निकला वो कुछ खास खास इलेक्ट्रॉन्स ने निकाला, और बाकी वाले अभी थोड़ा स्लो मोशन में हैं, और क्षण भर के बाद दूसरे मोशन में ज़्यादा आ गए हैं और ये वाले स्लो हो गए हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंट पे डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन सोर्स के लाइट को एमिट करते हैं, और उनमें आपस में अगर कोई तालमेल नहीं है तो कोई ऐसा वाला एमिट कर दिया, अगला वाला ऐसा एमिट कर दिया, अगला ग्रुप है वो ऐसा एमिट कर दिया, तो सब रैंडम हो गया, तो वो अनपोलराइज्ड हो गया। वो सारे अनपोलराइज्ड, हाँ वो सब अनपोलराइज्ड। ज़्यादा नहीं जाना अंदर, ज़्यादा अंदर नहीं जाना, आप बहुत गलत काम कर रहे हो, क्वांटम फेनोमेना को क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन कर रहे हो, तो ज़्यादा भीतर नहीं घुसना हो उसके। सेफ प्ले सेफ। ज़्यादा अंदर घुसोगे तो फिर बहुत कुछ करना पड़ जाएगा, तब जा करके उसके एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे। तो इसको देखें, हम इसको देखें, हाँ जो ट्रांसमिट हो रहा है इससे होके जो ट्रांसमिट, इसको देखें और इसको घुमाएं, ऐसे घुमाएं। अभी देखना, हाँ उसको छोड़ो ना, अभी आप उस पर ध्यान दो कि इंटेंसिटी का क्या। ये देखो ओके है ना। तो ये कैसी लाइट है, ये पहले से डिसिप्लिन्ड है, लेकिन इसके अनुसार डिसिप्लिन्ड नहीं है। ये सबका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़िया है, एक ही डायरेक्शन में, कोई रैंडमनेस नहीं है। लेकिन ये भाई कहता है कि तुम यार ठीक तो हो लेकिन गलत डायरेक्शन में आ रहे हो,
सारे के सारे गलत डायरेक्शन में आ रहे हो। मुझे ऐसा वाला फील्ड नहीं चाहिए, मुझे ऐसा वाला फील्ड चाहिए, ये ट्रांसमिशन एक्सेस है। तो तुम्हारा केवल सबका कॉस थीटा पास करेंगे, सबका साइन थीटा रोक लेंगे और अब डिसिप्लिन कर देंगे। अभी तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था ना, अब तुम्हारा फील्ड ऐसे हो जाएगा निकलने के बाद, मेरे ट्रांसमिशन एक्सेस के पैरेलल हो जाएगा और घट जाएगा। कितने से घट जाएगा? अगर थीटा का एंगल बन के आ रहा है, अब तो ये फिक्स हो गया ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका डायरेक्शन फिक्स है और इसका भी अपना डायरेक्शन फिक्स है। ओके, तो यही सिचुएशन हो गई हमारी, ये वाली सिचुएशन हो गई हमारी, इसका भी फिक्स्ड है, करेक्ट, और इसका भी फिक्स है। सारे के सारे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके भी डायरेक्शन फिक्स है, जो भी आएगा सो ऐसे ही आएगा, है ना। अब अगर ये सिचुएशन है, ये सारे फिक्स्ड हैं, ये सारे फिक्स्ड हैं, जो भी आ रहा है ऐसे ही आ रहा है, तो जो भी आ रहा है कॉस थीटा लेकर के आ रहा है, एक निश्चित कॉस थीटा लेकर आ रहा है, तो वही कॉस थीटा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा। तो जो इंटेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है ना, जो जो उसका एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा से वो इंटेंसिटी डाउन होगी। अगर 45 डिग्री पे है तो 1/2 हो जाएगी, अगर 90 डिग्री पर है, इसको घुमा दिया हमने और घुमा करके ऐसा बना दिया, इसको 90 डिग्री कर दिया, अब तो ब्लॉक, तो इंटेंसिटी मिनिमम, और घुमा करके अगर इसके डायरेक्शन में कर दिया थीटा बराबर जीरो, वैसा ही हो रहा है। अब जो एक्चुअल चीज़ें होती हैं 100% एक्यूरेट नहीं होती हैं, आखिर बनाया है, ऐसा नहीं है कि वो एकदम 100% को पास ही करेगा और 100% को ब्लॉक ही करेगा, तो थोड़ा बचेगा, थोड़ा इधर उधर होगा, स्कैटरिंग जैसे आप कह रहे थे वो सब उसके उसकी क्या कहेंगे उसके व्याधियाँ हैं वो सब, लेकिन मुख्य धारा जो है वो ये। तो ये हो गया, इसको लॉ ऑफ मैलस कहा जाता है। अगर आपकी ऑलरेडी एक पोलराइज्ड लाइट आ रही है, ऑलरेडी एक पोलराइज्ड लाइट आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और फिर आपका जो ये शीट है, पोलराइजर शीट है, उसका कुछ ट्रांसमिशन एक्सिस है, और अगर ये बीच का एंगल थीटा है, तो इधर जो निकलने वाला है वो इंटेंसिटी वो कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे निकलने वाला है। अगर थीटा रैंडमली वैरी कर रहा है तो एवरेज 45 डिग्री 1/2, और नहीं अगर एक फिक्स थीटा है तो जितना थीटा है उसके अनुसार, राइट, इसको कहा जाता है लॉ ऑफ मैलस।